नीरज वोरा को आपने नहीं सोचा कि मेरे साथ जुड़े रहे, बिकॉज फाइनली नीरज वोरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आई विश आई थिंक ही इज वन ऑफ द फैबुलस राइटर्स वी हैव इन आई एग्री विद यू बहुत जो जितना जो समझ उनको है कॉमेडी की एज आई थिंक किसी को नहीं है हमारे मेरे ख्याल से बिकॉज ही इज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ एंड प्लस उनका जो बैकग्राउंड रहा है स्टेज का प्लेस का जी मतलब ही उनको एक गॉड गिफ्ट है कि वो 15 मिनट में आपको एक सीन लिख के दे सकते हैं करेक्ट या कई चीजें जो गोलमाल में है वो नरेशन के वक्त जो उन्होंने मुझे कहा था उसको हमने हम लोगों ने एक डायलॉग फॉर्म में प्रेजेंट किया सो एंड आई विश आई कुड वर्क विथ हिम अगेन बट देन ही टर्न इनटू डायरेक्शन हेरा फेरी उन्होंने डायरेक्ट की फिर आगे भी उन्होंने काफी फिल्म फिर हेरा फेरी उन्होंने की एंड बाद में फिर ही वेंट इनटू डायरेक्शन सो फिर उनके पास वक्त नहीं था एंड देन फिर मैं भी आगे निकल गया लाइफ में बट यस द क्रेडिट ऑफ गोलमाल और द गोलमाल सीरीज विल ऑलवेज गो टू नीरज वोरा दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ये बहुत लोगों को बात मालूम नहीं है मेरे ख्याल से yeah. और क्या वो गोलमाल गोलमाल रिटर्न्स और अब जो गोलमाल 3 बन रही है नीरज वोरा जी ने आपकी फिल्में देखी हैं रिटर्न्स के वक्त मैंने उनको बुलाया था सक्सेस पार्टी में हम सब थे शायद उस वक्त और उन्होंने देखी फिल्म बट ऐसा होता नहीं कि मतलब कंसल्ट नहीं कर पाता हूं मैं उनको बिकॉज ही हिमसेल्फ इज वेरी बिजी जब मैं रिटर्न्स कर रहा था शायद वो कोई और फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे शॉर्टकट आई थिंक डायरेक्ट कर रहे थे एंड अब जब मैं जीत्री कर रहा हूं तो रन भोला रन कर रहे थे सो मुलाकात होती रहती है उनसे और इत्तेफाक देखिए G3 गोलमाल 3 आप श्री अष्टविनायक के लिए बना रहे थे और रन भोला रन भी वो श्री अष्टविनायक के लिए ही बना रहे हैं सो यू आर वर्किंग फॉर द सेम प्रोड्यूसर हाँ मिलते भी रहते थे हम लोग कई बार अभी भी मिलते हैं ऑफिस में कई बार मुलाकात हो जाती है उनसे बट साथ में काम नहीं कर पाए बट आई एम श्योर वी विल वर्क टुगेदर अगेन समडे।